आज हम आपको एनेस्थेटिक प्रोटोकॉल जो है उसकी डेमोस्ट्रेशन देंगे थ्रू गैसेस एनेस्थीसिया, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें किसी भी एनेस्थेटिक एजेंट का उसकी डोज कैलकुलेट करने के लिए एनिमल का बॉडी वेट चाहिए। इसके अलावा जब हमें गैसेस एनेस्थीसिया को मेंटेन करना है उसके लिए एंडो ट्यूबुलर ट्यूब है उसकी साइजिंग के लिए भी हमें एनिमल का वेट जो है वो सबसे पहले मालूम होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिमल जो है उसका वेट करेंगे। तो एनिमल का वेट कितना है, ऑलमोस्ट 13.45 इसको हम राउंड ऑफ करके 13.55 जो है वो एनिमल का वेट हम कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट हम जो है वो इनकी एंडोट्रेकियल ट्यूब किस साइज की हमें इस एनिमल की चाहिए होगी उसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा हमें वेपर प्रेशर कितना चाहिए होगा, कितना चाहिए, वो सारी कैलकुलेशन। और उन सबसे पहले हमने इंजेक्शन इसकी करनी है इंट्राविनस एनेस्थेटिक एजेंट से। तो हमारा जो इंट्राविनस एनेस्थेटिक प्रोटोकॉल कौन सा होगा जिससे हमने सबसे पहले इंजेक्शन देनी है, तो वो हमारा है एट्रोपिन गेट एज अन एनेस्थेटिक, दैन हम ज़ाइला एंटामिन जो है जो एज एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करेंगे। तो उनकी डोज रेट जो है वो भी पानी के बॉडी वेट आप डोज कैलकुलेट करेंगे। डोज रेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो मेनटेन दी एनेस्थीजिया फॉर फर्दर सर्जिकल प्रोसीजर के एनिमल जो है वो सर्जिकल प्लेन में रहे, आप इजीली अपनी जो सर्जरी है उसको परफॉर्म कर सको। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब आपको वो भी चाहिए, वो किस साइज़ की आपको चाहिए होगी उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी आपके बॉडी वेट एनिमल का है उस बॉडी वेट में आपने 15 प्लस करना है और उसको डिवाइड बाय 4 आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ योर एंडोट्रेकियल ट्यूब साइज़। अब बॉडी वेट एनिमल का कितना था, 13.5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 7.12। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 7 जो है इंट्राडर्मल जो इंटरनल डायमीटर जो है 7 mm जो है हमें वो ट्यूब चाहिए होगी। और अगर हम इसको फ्रेंच में देखें तो ये ऑलमोस्ट 23 फ्रेंच साइज इसका जो है वो बन रहा होगा, बिकॉज 1 mm इज इक्वल टू 3.3 फ्रेंच। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 23.49 और 23.5 फ्रेंच साइज जो है ये इस ट्यूब का बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब हमने इसके आगे जो है कैलकुलेशन करनी है कि हमें ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना चाहिए और वेपराइजर जो है वो हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, कि वेपराइजर प्रेशर कितना होना चाहिए और ऑक्सीजन फ्लो रेट जो है वो कितना होना चाहिए। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑक्सीजन फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे कि मोस्टली नॉर्मली जो है वो हम रखते हैं 100 टू 200 ml पर kg पर मिनट जो है वो ऑक्सीजन फ्लो रेट होना चाहिए। तो इसको हम इस अकॉर्डिंग टू दैट एनिमल वेट इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम 200 ml पर kg पर मिनट रखेंगे तो 200 जो है इसको हम मल्टीप्लाई बाय कितने kg एनिमल का वेट है वो है 13.5 kg, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2700 ml, दैट मीन्स 2.7 liter। तो ऑक्सीजन फ्लो रेट जो है यहाँ पे हमारे पास जो होना चाहिए फॉर दैट एनिमल वो 2.7 लीटर होना चाहिए पर मिनट। तो इसके बाद जो आपने हम जो भी एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट हमें उसका वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी कितनी हम वेपराइजर प्रेशर उसका एडजस्ट करेंगे सो दैट कि हमें वो मेंटेनेंस मिले उस दैट एनेस्थेटिक्स की। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइसो हर एनेस्थेटिक एजेंट जो है इनहेलेंट उसका अपना MAC वैल्यू उसकी होती है। तो जो आइसोफ्लुरान जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी MAC वैल्यू जो है वो है 1.28। सो इससे जब हम MAC जो है उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऑक्सीजन फ्लो रेट से तो उसके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा उस वेपराइजिंग वैल्यू होगी ऑफ दैट एनेस्थेटिक एजेंट। तो वो हमारे पास कितनी आएगी जब हम इसके MAC को ऑक्सीजन फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे वो है 3.45। तो ऑलमोस्ट 3.5 जो है वो हम इसकी वेपर प्रेशर रखेंगे आइसोफ्लुरान का, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करने के बाद हम जो है ट्यूब को कनेक्ट कर देंगे विद द एनेस्थेटिक मशीन और एनेस्थेटिक मशीन के ऊपर हम उसका ऑक्सीजन फ्लो रेट जो है जो कैलकुलेटेड फ्लो रेट है वो रखेंगे और साथ वेपराइजर प्रेशर अपना सेट कर देंगे टू दी कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। और फॉर फर्स्ट 3 मिनट्स जो एक रूल है वो ये है कि हम फॉर फर्स्ट 3 मिनट्स ऑक्सीजन फ्लो रेट भी 3 रखते हैं, वेपर प्रेशर भी 3 रखते हैं और टाइम जो है वो भी फॉर फर्स्ट 3 मिनट्स हम उतना ही रखते हैं। उसके बाद हम जो है इसको एडजस्ट कर देते हैं टू दी कैलकुलेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो अब
हम इसको इंड्यूस करेंगे, तो वो कैसे हम ये सारा इसको कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में।